कुछ ज्यादा ही अति हुई है, ऐसी मशरूमिंग हुई है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से गली मोहल्ले दुकान, और पता नहीं उठ उठ के लोग आ रहे हैं और वो टोपी लगाते हैं और वो बहुत बड़े स्कॉलर डिबेटर बन जाते हैं। तो शादी करे वो शादी हराम और शादी से होने वाला वो बच्चा भी हराम, तो वो बहुत ही नाजायज बात थी। और किसी भी महिला के आप कैरेक्टर पर भारत में रहकर आप इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर इंटर रिलीजन शादी करता है तो होने के भी नाते भी, और मैंने जितनी भी डिबेट्स की हैं उसमें दो बातें हमेशा सुनिश्चित की हैं, एक कि जो मर्यादा की सीमा है उसे लांघा ना जाए, और जब गेस्ट को चुना जाए तो मसाले की आड़ में हम उस अभद्रता को प्रमोट ना करने लगे। है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे युवाओं को किस तरह से भड़काया गया, उनको भटकाया गया, उनको किस तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया आना गया। चाहती हूँ वो क्लिप पहले अपने जो व्यूअर्स हैं उन्हें दिखाते हैं, और उसके बाद अंबर हमें बताएंगी कि इस क्लिप के भी सब उस लड़ाई सेट से निकलते निकलते बाहर आ गई, और क्योंकि वो शोएब जमाई को बाहर ले गए, क्योंकि जब सुबह ही उनको वो भी गुस्से में थी, उनको बोलने लगी कि मैं तुमको देख लूंगी और ये सारा चीजें, और तो बाहर निकल वो जो बोल रही हैं, तो वो उनको बाहर सेट से बाहर ले जाया गया और वो फिर गेस्ट रूम में जाके बैठ गए। और उनके बीच शोएब जमाई ने इनफैक्ट सुबह से माफी वाफी मांगने की भी कोशिश की कि आप मुझे माफ कर दीजिए, अब तो बहन है ये वो इस तरह की बातें, उनको पैसिफाई करने की कोशिश की, क्योंकि ये उनका पैटर्न रहा है दीदी जी हमेशा, कि वो ऑन रिकॉर्ड तो आपको बेइज्जत करते हैं और आपको इस तरह से उकसा देते हैं कि आपका एक रौद्र रूप आ जाए या आप गुस्से में आ जाएं, ताकि उनको लगे कि देखो हम पे कितना हमला हो रहा है, और आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं, और फिर वो बैक स्टेज आके आपसे माफी और पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दोहरा ये चरित्र होता है कि अगर आप जो भी स्टैंड रखते हैं ऑन रिकॉर्ड या जो भी आपका वैचारिक चीज है उसको वहीं पे रखिए, या फिर आप बदतमीजी मत कीजिए, आप अपनी जो भी आपका ओपिनियन है वो एक्सप्रेस कर दीजिए, किसी के साथ पर्सनल होने की क्या जरूरत है। वो आप उस बाउंड्री को लांघ कर किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाते हैं, ये एक उस नैरेटिव को कमजोर करने की साजिश होती है, कि वैसे भी आप जानते हैं कि किसी महिला को कमजोर करना है तो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा दीजिए, गाली दे दीजिए, एक हर एक महिला के लिए एक इस तरह का एक इमोशनल पॉइंट होता है, तो उसको आप कमजोर करने की ये कोशिश हमेशा रहती है। और दूसरी तरफ कोई पुरुष भी हो तो आप उसके घर परिवार, उसकी बहन बेटियों के ऊपर, उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं ये पैटर्न हमेशा से रहा है कि मुद्दे से हटकर सारी बातें होती हैं, सिर्फ मुद्दे या जो सवाल होता है उसका जवाब नहीं मिलता। अंबर, आपने बहुत डिबेट्स किए हैं, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहती जो इस तरह की अभद्रता करे, जी और ऐसे लोगों को मेरा मानना है खुद एक टीवी एंकर होने के नाते भी जी और एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के भी नाते भी, और मैंने जितनी भी डिबेट्स की हैं उसमें दो बातें हमेशा सुनिश्चित की हैं, एक कि जो मर्यादा की सीमा है उसे लांघा ना जाए, और जब जी गेस्ट को चुना जाए तो मसाले की आड़ में हम उस अभद्रता को प्रमोट ना करने लगें, हम उस अनुशासनहीनता को प्रमोट ना करने लगें जो टीवी डिबेट्स का हिस्सा दूर दूर तक नहीं हो सकती है। लेकिन अंबर, मुझे कहते हुए इस बात का भी दुख हो रहा है कि ये कुछ लोग हैं जो नहीं समझते, और ये पहला मौका तो नहीं था जब इस व्यक्ति ने इस तरह से अभद्रता की हो या एक महिला पर इस तरह की टिप्पणी की हो। हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से महिला पर भी टिप्पणी की गई है और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आपने इनके साथ कई डिबेट्स किए हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए आदित्य जी, जब ये 2019 खत्म होने वाला था, ट्रिपल तलाक बिल पास हो चुका था, तभी ये उस वक्त आपको पता है कि जो टोपी वाले लोग थे उनकी बड़ी दरकार होती थी, क्योंकि एक दिन में 15-15, 20-20 डिबेट्स होती थी, तो तब किसी को भी टीवी पे लाके बैठा दिया जाता था। तो उस वक्त इन्होंने एक आध डिबेट की थी ट्रिपल तलाक पे, और फिर शाहीन बाग से खुद को इन्होंने झूठ बोल करके मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ अपनी एक प्रोमिनेंस मीडिया में हासिल की, और तभी से बहुत ही ज्यादा जहरीली और बहुत ही ज्यादा देश विरोधी, समाज विरोधी बयान इन्होंने दिए, और ऑन रिकॉर्ड इतने सारे बयान इनके मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा भड़काऊ हैं,
और कभी भी इनके ऊपर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, ना ही मीडिया हाउसेस की तरफ से, किस तरह के लोग जो देश में कहीं ना कहीं जो एक डिवाइड क्रिएट हो गया है उसको और ज्यादा बढ़ाने का काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को टीवी पर ना बुलाया जाए। क्योंकि अगर हम मुस्लिम स्कॉलर्स या मुस्लिम लीडर्स की भी बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, प्रोफेसर्स हैं, लॉयर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जिनको आप टीवी पर ला सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि एक इस तरह की इक्वेशन बना देते हैं टीआरपी की आड़ में कि टीआरपी आएगी, आप कितना ही मना कीजिए कि हमें उनके साथ नहीं बैठना, फिर भी वो लास्ट मोमेंट लाके बैठा देते हैं और पता है कि आप उनके साथ बैठेंगे, उनका रिएक्शन क्या होता है और किसका पैटर्न क्या होता है, तो जाहिर सी बात है एंड रिजल्ट इसी तरह से निकल कर आता है। और मुझे तो वो पहली डिबेट उनकी मेरे साथ ही हुई थी TV9 पर, और उन्होंने तभी से मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने की कोशिश की थी और उनको लगा था कि शायद मैं उनको मारूंगी तो शायद वायरल कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि वो जो 2017-18 में जो इंसिडेंट हुआ था जी हिंदुस्तान पर, उनको लगा था कि क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मुझे उतना ज़्यादा समझ नहीं थी कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी मुझे इतनी समझ थी कि मुझे किसी को मारना नहीं है, हाथ नहीं उठाना है, लेकिन वो उकसाने की कोशिश करते हैं, ये शोएब जमे का पैटर्न है, वो जानबूझकर सामने वाले को उकसाते हैं, पर्सनल पॉइंट्स को टच करते हैं और सामने वाले को वो उकसाने की कोशिश करते हैं, ये उनका हमेशा रहता है, हर किसी को जो सामने वाला होता है उनका विरोधी होता है डिबेट में, वो उनको उकसाते हैं, मुझसे तो बहुत ही ज्यादा डरते हैं, उन्होंने ट्विटर पे मुझे ब्लॉक किया हुआ है, हर एक मीडिया जो टीवी एंकर्स होते हैं उनको कहते हैं अंबर जैदी को ना बुलाइए, जितने कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनको बोलते हैं, इनफैक्ट ये बात सब लोग जानते हैं और जो कहते हैं अंबर जैदी को ना बुलाइए, मैं कभी भी ऐसी कोई शर्त नहीं रखती कि आप उनको ना बुलाइए, अगर मैं किसी के साथ बैठने में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं उनके साथ नहीं बैठूंगी और आप मुझे कभी और बुला लीजिएगा। तो ये बहुत ही कमजोर मानसिकता है कि अगर आप एक महिला के साथ, मुझे ब्लॉक किया हुआ, मैंने कभी उनके बारे में कोई ट्वीट नहीं लिखी बट उन्होंने मुझे ट्विटर से ब्लॉक किया हुआ है। जी आप कुछ एक्चुअली आपने अभी टीआरपी का जिक्र किया, क्योंकि मैं टीवी करती हूँ और बाय गॉड्स ग्रेस लंबा करियर है और लंबे अरसे से टीवी डिबेट्स कर रही हूँ, मोर देन अ डेकेड, और मैं बताना चाहती हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि ये एक्चुअली बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैं कहूँगी जो लोग ये मानकर चलते हैं कि लोग झगड़ा ही देखना चाहते हैं, मतलब उस तरह का झगड़ा जो मारपिटाई की नौबत तक चला जाए, उस तरह का झगड़ा जो गाली गलौज तक चला जाए, क्योंकि जब मैं डिबेट करती हूँ तो हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मर्यादा की सीमा कोई गेस्ट लांघने ना पाए, क्योंकि जब लोकतंत्र में आप बात करते हैं विचारों की अभिव्यक्ति की तो उसकी बाउंड्री डिसाइडेड है, मैं विचार की अभिव्यक्ति तभी तक मेरी है, मेरे पास वो आजादी तभी तक है, विचारों की आजादी का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, जब तक मैं अंबर जैदी के राइट्स में इन्फ्रिंज ना करूं। और ये बात मैंने अपने डिबेट्स में हजार बार बोली है, हर वो पैनलिस्ट जो लाइन को क्रॉस करने की तरफ मुझे लगता है बढ़ रहा होता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके राइट्स बस इतने हैं और जैसे ही आप को पैनलिस्ट को अटैक करना शुरू कर देंगे, उन पर निजी हमले शुरू कर देंगे तो ये राइट खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप पर एक्शन होगा, या तो आप ऑफ एयर होंगे या आप डिबेट से आउट होंगे, और शायद इस तरह की जरूरत है। और जो मेरा पर्सनल अनुभव है अंबर, और क्योंकि मैं और आप तो बात कर ही रहे हैं, हमारे बीच तो संवाद है और बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, तो शायद उनकी फेथ टीवी में एज अ मीडियम शेकन अप ना होने पाए, मैं ये मानती हूँ कि साफ सुथरा टीवी एक वैचारिक डिबेट आज भी ओवर स्कोर करती है, ओवर पार करती है इस तरह की थर्ड ग्रेड डिस्कशन को, जिसमें पर्सनल अटैक्स हों, अपशब्द हों, गाली गलौज हो, वो एक ड्रामा तो हो सकता है बट मुझे लगता है वो न्यूज में फिट नहीं होता है, तो एक्चुअली मैं एज अ टीवी प्रोफेशनल कभी उसे एंडोर्स नहीं करती। लेकिन अंबर मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले की जब कंट्रोवर्सी याद आती है तब भी मैंने आपको देखा था कि किस तरह से मौजूद थी, इस बार भी देख रहे हैं कि ये जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है इसमें भी आप खड़ी हैं, ये जो सर्टेन पैनलिस्ट है ये जानबूझकर ये सब करते हैं, ये कुछ वैचारिक लोचा है,
आप पे खुद पर कंट्रोल नहीं है, या ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की दरअसल सोची समझी रणनीति? इसके पीछे मुझे लगता है कई सारी लेयर्स हैं और हमें इसको लेयर्स में समझना पड़ेगा। एक तो ये कि सबसे पहला कि आपको जो सामने वाला जो नैरेटिव आगे लेके जाना चाह रहा है, और आपके अगर उसका नैरेटिव आगे जाता है तो आपका नैरेटिव कमजोर पड़ जाता है, तो उसको अटैक करके आप किसी और तरफ ले जाइए। आप सारी बात करेंगे, दुनिया भर का ज्ञान आप डाल देंगे, लेकिन सवाल का जवाब नहीं आपके पास होगा या फैक्चुअल कोई काउंटर आपके पास नहीं होगा। तो एक तो ये होता है। दूसरा एक और इसमें पहलू इसका ये आता है कि आप गाजर के साथ गुठली मिला देते हैं। अब जब गाजर के साथ गुठली मिलाएंगे तो हलवे में आपके मुंह में वो खून ही निकलने आएगा। जब आप हलवा खाने की कोशिश करेंगे या उसका कुछ भी सब्जी भी बनाएंगे तो आपके मुंह से खून निकलेगा, आप समझेंगे ये सब्जी है या हलवा है। तो वो गाजर में गुठलियां मिल जाती हैं। आप एक वो लोग जो समाज में काम करते हैं, मुद्दों की समझ रखते हैं, जो समाज में कहीं ना कहीं अन्याय है, असमानता है, सामाजिक कुरीतियां हैं, या देश में कुछ बड़े खतरे हो सकते हैं, उन सारी जो समस्याएं हैं उनको लेकर बात करते हैं। उनके सामने आप कुछ अनपढ़ लोगों को लाकर बिठा देते हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, और जो चार बार डिबेट्स में आ जाते हैं उनको लगता है वो बहुत बड़े नेता बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो असंतुलन क्रिएट होता है, और वो लोग क्योंकि वो वैचारिक तौर पर तो बहुत ही कमजोर होते हैं, उनकी कोई विचारधारा गहराई नहीं होती और एक कन्विक्शन के साथ वो अपनी बात या कोई कोई उनका कोई अपना ये नहीं होता कि आप कोई मुद्दा या आपका कोई भी एक ऐसा एम है जिसको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सिवाय इसके कि आप इन डिबेट्स को इस्तेमाल करके या इनके जरिए आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोमिनेंस हासिल करें, प्रोफाइलिंग करें, करें भाई हम टीवी पे आते हैं तो हमें सरकार में या कहीं पे किसी बॉडी में कुछ मिल जाए, कोई पार्टी हमें कुछ बड़ा दे दे। तो सिर्फ इतना ही मकसद होता है जिसकी वजह से असंतुलन क्रिएट हो रहा है। और मुझे लगता है कि जिम्मेदारी टीवी चैनल्स की, मीडिया हाउसेस की है कि आप गेस्ट के लिए एटलीस्ट आप कुछ तो क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, उनके क्रेडेंशियल्स आप चेक करें, उनकी थोड़ी बेसिक एजुकेशन तो कम से कम हो, या कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हो तो कम से कम उसने समाज में काम किया हो, मुद्दों की समझ हो, मुद्दों की गहराई को जानता हो। तो ऐसा तो मुझे लगता है ये तो बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप किसी को भी लाके बैठा दें। पिछले 5 सालों में तो कुछ ज्यादा ही अति हुई है, ऐसी मशरूमिंग हुई है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से गली मोहल्ले दुकान और पता नहीं उठ उठ के लोग आ रहे हैं और वो टोपी लगाते हैं और वो बहुत बड़े स्कॉलर डिबेटर बन जाते हैं। तो बड़ा अजीब सा लगता है, और मैं अक्सर बोलती भी हूँ कि जब वो कुछ लोगों कुछ ऐसे लोग जिनका मुझे पता है कि वो 8वीं फेल हैं और वो किस तरह किसी के मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है नहीं है, लेकिन आप कुछ कम पढ़े लिखे लोगों को आप ऐसे मैच्योर डिस्कशन में ला के फिर उसको आप मुर्गा लड़ाई बनाने की कोशिश करते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं कहती हूँ कि मेरा एक बेसिक सा क्राइटेरिया है कि आप कम से कम मुझे अनपढ़ आदमी के साथ बहस में शामिल ना कीजिए, कम से कम उसको ये समझ में आए कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और कोई भी आप अपना फैक्चुअल कोई बात रखें, आप कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दें, कुछ आप हिस्टोरिक पॉइंट्स रखें, वो मोदी बीजेपी आरएसएस हिंदू मुसलमान रोजगार बेरोजगारी और इस तरह की बात करेंगे तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये मुझे लगता है उनको भी सोचना चाहिए, लेकिन वही बात सिर्फ ये मुर्गों की लड़ाई बनाकर मुझे नहीं लगता कि देश के लोग भी इसको इंजॉय करते हैं। बहुत सारे लोग जब मिलते हैं हम किसी पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक इवेंट में जाते हैं तो कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता इस तरह की बात होती है, आप लोग अच्छी बात करती हैं, और जो लोग भी अच्छी बात करते हैं उनकी बात नहीं पहुंच पाती है और ये लोग हैकल करने की कोशिश करते हैं। तो एक पॉजिटिव नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश के हित में, समाज के हित में बहुत जरूरी है कि आप अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को लाएं, लेकिन उनका कंडक्ट कम से कम अच्छा हो, खुद को वो सही तरह से बात कर सके। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है अमर, जो व्यूअर्स हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि दरअसल एक ऐसा पैनलिस्ट जो सही तरीके से तार्किक तौर पर अपनी बात रखने में सक्षम नहीं है तो एक तो वो मर्यादित तरीके से बात नहीं कर पाता है, और दूसरा जो साइड वो रिप्रेजेंट करने आया है उस कॉज के लिए, उस साइड के लिए ऐसे पैनलिस्ट का आना एक बहुत बड़ी डिससर्विस होता है। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा वो नुकसान उनको कर देता है।
आप एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं जिसमें कई बार हकीकत भी नहीं होती है, सच्चाई से भी उसका कोई वास्ता नहीं होता है। चलिए एक जहां पर ये सारे कंट्रोवर्सी हुई है वो मुद्दा 72 हूरों से जुड़ा हुआ था, 72 हूरें। तो ये जो फिल्म का टीजर आया, विवाद हुआ, ये भी कहा गया कि एक माइनॉरिटी को टारगेट करने की, ये 72 हूर जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और इस फिल्म के टीजर भर से इतना विवाद क्यों है अंबर? देखिए आदित्य जी, जैसा कि हम लोग पूरे इस पे बात कर रहे हैं और यही पूरा बात निकल कर आती है कि जो भी मुद्दा होता है उसकी गहराई को समझकर सिर्फ ये कह देना कि देखिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है, ये तो 2024 के लिए माहौल बनाया जा रहा है, इस तरह की बातें करने के बजाय हमें वाकई में सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए एक मुस्लिम समाज को कि वाकई में जो ग्लोबली टेरर आउटफिट्स ने 72 हूरों के जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करके कितने ही वर्षों से जो मुस्लिम यूथ है उसको रेडिकलाइज किया है और अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया है। और ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इसको समझकर आगे बढ़ें और इस नैरेटिव को आगे बढ़ाएं कि नहीं, ये सारी चीज़ें गलत हैं हमारे समाज, आप जिस देश में भी रहते हों, भारत के मुसलमान हों, अफगानिस्तान के मुसलमान हों, पाकिस्तान के हों या कहीं के भी हों, नुकसान इस जो जिहाद फी सबिलिल्लाह है इसने हर पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए और भी मुल्क हैं, भारत को लेकर तो हमेशा ये टारगेट करते हैं कि भारत में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो किसी ना किसी अलग अलग जो टेररिज्म के टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करके, चाहे लव जिहाद हो या 72 हूर हो या आप बच्चों के जो को टारगेट करने का एंटरटेनमेंट के थ्रू, गेम्स के थ्रू, तो अलग अलग मींस एंड मेजर्स से ये लोग ट्राई करते हैं कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी क्रिएट हो, आतंकवाद का जो एक ग्लोबल नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें सबसे बड़ा जो लियोरमेंट रहा है यूथ के लिए वो ये रहा है कि आपको 72 हूरें मिलेंगी और कितने ही सारे जो मुफ्ती हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके यूट्यूब पे वीडियोज भी मिलेंगे जिसमें वो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन हूरों का देखते हुए नजर आते हैं कि 130 फीट की ऐसी हूर होगी जो अल्लाह के नूर से बनी होगी, वो माँ के पेट से पैदा नहीं होगी, उसको कभी डायपर नहीं लगा होगा, वो अल्लाह के नूर से बनेगी और अंधेरों में अगर उसकी जरा से कलाई भी दिख जाए तो आंखें चकाचौंध हो जाए, तो इस तरह की हूर होगी जिसको कभी किसी ने देखा ना होगा, वो हमारे लिए बनी होगी। तो इस तरह की लालचें देकर वो जो गरीब मुसलमान होते हैं उनको आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहने के बजाय कि हमें बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे युवाओं को किस तरह से भड़काया गया, उनको किस तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया गया। तो जब भी आप आतंकवाद पे बहस करें या ये कहें कि भाई आप तो इनको कंडेम नहीं करते जो ग्लोबल टेरर आउटफिट्स होते हैं, कहते हमने तो निंदा कर दी, कंडेम तो करते हैं, लेकिन सिर्फ कंडेम कर देना या सिर्फ कड़ी निंदा भर से कुछ नहीं हो जाता। जब महिलाओं का कोई मुद्दा होता है तो लाखों लोग सड़कों पर उधर आते हैं, पिटीशंस चल जाती हैं, बड़े बड़े इत्तेहाद होते हैं, मुजाहरे होते हैं, लेकिन जब इस तरह के जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर एक्शन लेने की कोई बारी आती है तो सिर्फ एक छोटी सी कड़ी निंदा हो गई और काम खत्म। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है फंडामेंटल्स उनको करेक्ट करने पड़ेंगे और सही जगह पे काम करना होगा, तभी आप किसी भी धर्म के हो लेकिन देश हमारा सबसे पहले आता है और इस तरह की चीजों को अगर हम ड्रॉप करने की कोशिश करें अंडर द कार्पेट तो मुझे लगता है कि बहुत समय तक आप जो बड़ी गंभीर समस्या है उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। और अब वो समय है क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैच्योर होकर एक मॉन्स्टर का रूप ले चुकी हैं और अब वो समय है कि हमें बोलना ही पड़ेगा। और जो मुस्लिम समाज के लीडर्स हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं भारत में खासतौर से, उनको इस पर निकलकर एक क्लियर, एक पॉजिटिव स्टैंड और एक नैरेटिव आगे लाने की जरूरत है। अंबर, ये जो फिल्म को लेके कंट्रोवर्सी है उसके बारे में आपने भी काफी कुछ कहा, लेकिन अक्सर अब हम ये देख रहे हैं कि फिल्मों में ये कहा जा रहा है कि एक साइड जो है वो अपनी विचारधारा को प्रोपेगेंडा